मॉम मुझे सुनाइए ना। अरे मुझे नहीं आती, बता दीजिए मॉम प्लीज। ओहो मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, एक कहानी सुनाऊंगी। एक बूढ़ी औरत पहाड़ पर रहती थी। वो पहाड़ से नीचे आई तो बीमार हो गई और फिर सातवें दिन वो और बीमार हो गई। नहीं नहीं वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस और क्या, उसके बाद कहानी खत्म। डरावनी कहानियाँ कैसी होती हैं? ये डरावनी ही तो है। उस बुढ़िया ने चावल खाया और वो बीमार पड़ गई। हाँ क्या सच में ऐसा हुआ? अरे वाह मॉम, आपने तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो औरत ठीक हो गई थी। वो तो डरावनी कहानी नहीं थी। लेकिन तुम डरावनी कहानी सुनना ही क्यों चाहते हो? आज हम जियान के घर डरावनी कहानियाँ सुनाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ मेरी कहानी सुनकर सब कांपने लगे। वैसे सबसे पहले तो तुम ही कांपने लगोगे। अरे हाँ मुझे याद आया, हॉरर स्टोरी लैंड। अगर कहानी सुनाते हुए इसे इस्तेमाल करोगे तो वो कहानी सच हो जाएगी। हाँ? और इस तरह इस गैजेट की मदद से तुम्हारे सारे दोस्त बहुत डर जाएंगे। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही है, लेकिन कहानी सुनाते हुए तुम खुद मत डर जाना। चलो अब अपनी अपनी डरावनी कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत ज्यादा डर हो ही डर। ठीक है तो सबसे ज्यादा डरावनी कहानी सुनाने वाला ही जीतेगा। मैं अपनी कहानी से सबको बहुत डराने वाला हूँ। मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो फिर शुरू मेरी डरावनी कहानी से करते हैं। ये बात बहुत समय पहले की है, बहुत पुरानी। ऐसे ऐसे मत बोलो, थोड़ा खुश होकर बोल सकते हो। अरे डरावनी कहानियाँ इसी तरह सुनाई जाती हैं। लेकिन बिना डरावने माहौल के कोई मजा नहीं है नोबिता। वो एक सामुराई का घर था। एक औरत जिसका नाम ओकीकू था वो वहाँ काम करती थी। उसने गलती से वहाँ की एक कीमती प्लेट तोड़ दी। ये क्या किया तुमने? इतने महंगे सेट की एक प्लेट तोड़कर तुमने सारा सेट खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसको बहुत सख्त सजा दी गई और उसे कुएं में फेंक दिया गया। और उस दिन से हर एक रात मैं रोज एक प्लेट तोड़ूंगी, मैं रोज एक प्लेट तोड़ूंगी, मैं रोज एक मैं रोज एक प्लेट तोड़ूंगी, रोज एक प्लेट तोड़ूंगी। पता नहीं क्यों मुझे इस कहानी में इतना डर नहीं लगा। दोस्तों अब कहानी सुनाने की बारी मेरी। दोस्तों अब मेरी कहानी सुनो ध्यान से। एक काली घनी बरसात की रात थी और एक यात्री पहाड़ की वादियों में कहीं खो गया था। और तभी उसे एक पुराना घर दिखाई दिया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक आवाज के साथ खुला।